हेलो एवरीवन दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु तो आज है थर्टीअ जुलाई 30 जुलाई 2020 तो आज फिर एक बार प्रस्तुत हूँ आप सभी के सामने आज के कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के साथ और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो बट स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें सो so दैट कि आपको आने वाले नेक्स्ट करंट अफेयर्स के वीडियोस का अपडेट मिल सके सो so आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे तो ऑप्शंस है ट्वेंटी जुलाई ट्वेंटी नाइन्थ जुलाई ट्वेंटी सिक्स जुलाई एंड ट्वेंटी एट जुलाई तो जैसा कि आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कुछ सजेशंस दिए थे उसी उसी को फॉलो करते हुए आज से इस वीडियो में आप सभी को क्या होगा कि सबसे पहले इसका आंसर मैं बता दूंगा यहाँ पर देन उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा ठीक है सो आइए पहले देखते हैं इसका आंसर क्या है सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर बी और जो कि है कितना ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जुलाई अब जानते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन विद एन एम टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट टाइगर कंजर्वेशन इंटरनेशनल टाइगर्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी नाइन जुलाई वर्ल्ड वाइड और भी कुछ डिटेल्स के बारे में दिस डे वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द टू थाउजेंड टेन सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट इन दिस समिट द हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ टाइगर रेंज कंट्रीज वो टू डबल द टाइगर पॉपुलेशन बाय द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो उस समिट में यह बात रखी गई कि टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में टाइगर का पॉपुलेशन डबल करना है ठीक है और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जानते हैं इंडिया हैज़ अचीव दिस टारगेट फोर ईयर्स अहेड दो हजार बाईस का टारगेट रखा गया और इंडिया ने चार साल अहेड ही इसको पूरा कर लिया दैट इज इन ईयर टू थाउजेंड एटीन इट साल ठीक है union environment minister prakash javadekar recently released all india tiger estimation report 2018 so option number b is the correct answer so let's move to the next question number two which of the following are the accounting standards that were recently amended by corporate affairs ministry and option same.

Uh, की उसमें कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इकोनॉमिक एंड बिजनेस से रिलेटेड भी करंट अफेयर्स लेने के लिए तो उसी कोशिश किया है आज के मैंने इस वीडियो में थोड़ा सा वहां से भी जोड़ने के लिए ठीक है तो आइए देखते हैं पहले इसका आंसर क्या है सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 नाउ अब जानते हैं इसकी डिटेल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन लीज एंड

Uh, not assess a rent concession due to pandemic as a lease modification. concession International Financial Reporting Standards, that is IFRS 16, was amended by inter uh, International Accounting Standards Board (IASB) on May 28. Amendment to accounting standard on business combinations, that is accounting standards uh, Indian accounting standard 103 or just full version has been uh, has been made to help entities decide accounting of a transaction as a business combination or as an asset acquisition so in this way option number C was the correct answer now let's have question number three Apple has started manufacturing of its iPhone 11 in India at a फैसिलिटी लोकेटेड इन सो ऑप्शन है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटका एंड केरला सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डिटेल्स को एप्पल मैन्युफेक्चरिंग ऑफ इट्स आईफोन इलेवन इन इंडिया एट अ फैसिलिटी लोकेटेड इन तमिलनाडु एपल हैज अर्यर बिगन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोर अदर मॉडल्स इन इंडिया

ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर तमिलनाडु और उसमें भी स्पेसिफिकली कहां चेन्नई सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर आरबीआई हैज साइंड डॉलर फोर हंड्रेड मिलियन करेंसी स्वैप अरेंजमेंट विथ विच कंट्री ऑप्शन श्रीलंका पाकिस्तान नेपाल एंड भूटान सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज श्रीलंका नाउ लेट इज डिस्कस द आंसर $400 million, million currency swap arrangement has been signed by RBI with Sri Lanka. The currency swap arrangements will be available till November 2022 and will improve foreign reserve of Sri Lanka. The currency swap arrangements will also ensure that the current country remains financially stable. So option number A is the correct answer. So yeah, साइन किए गए दोनों इंडिया आरबीआई और श्रीलंका के बीच में जो करेंसी एग्रीमेंट हुआ है उसके डिटेल्स जो आप लोगों को पता होने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फाइव गवर्नमेंट हैज बीन डिस्कसिंग प्लान टू ब्रिंग आर अंडर इंडिया पोस्ट करेंटली सेंटर्स स्टेक इन आर इज ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट एंड फिफ्टी परसेंट सो पहले हम आंसर देखेंगे द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज फिफ्टी परसेंट अब आई जानते हैं इसके डिटेल्स को गवर्नमेंट है अंडर इंडिया पोस्ट तो फोर्टीन थाउजेंड ब्रांचेस अंडर ऑफ फोर्टी फाइव आर आरबी उसको इंडिया पोस्ट के अंडर लाने की बात चल रही है ठीक है फॉर दिस पर्पज आर होल्डिंग कंपनी अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंटर विल बी फॉर्मड

एंड रिमेनिंग फिफ्टीन परसेंट कहाँ आ गया स्टेट गवर्नमेंट के पास ठीक है यह भी आपको बाइफर्केशन याद रहे तो बहुत अच्छा होगा कैन रिटेन और मोनिटाइज एंड सेल देयर स्टेक टू द सेंटर सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर दैट इज फिफ्टी परसेंट सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स आर बी आई हैज अप्रूव्ड रूट वन इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रहे आर ओ आई सी ठीक है proposal to raise its stake in HDFC Bank, City Bank, बैंक Bank, and Axis Bank. So the correct answer is. आप देख सकते हैं लोगों से ही आप पहचान सकते हैं उसमें लिखा भी हुआ है नाम तो ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर तो नाउ डिटेल्स को जानते हैं अच्छे से आर बी आई हैज़ अप्रूव्ड आर ओ आई सीज़ प्रपोजल टू रेज इट्स स्टेक इन इंडसन बैंक फ्रॉम फोर पॉइंट नाइन सिक्स परसेंट टू टेन परसेंट तो ये चीज आपको याद रखने वाली चीज हो गई ठीक है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है रूट वन इन्वेस्टमेंट कंपनीज स्टेक और शेयर होल्डिंग्स विल बी इंक्रीज अप टू टेन परसेंट ऑफ इंडसन बैंक पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन इन विच कंट्री इज द हेड क्वार्टर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक लोकेटेड मलेशिया

एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में जानते हैं अब ये है क्या इट इज अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक अ मिशन टू इंप्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया इट इज स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन जनवरी 2016 ये उसका स्टार्टिंग डेट हो गया ऑपरेटिंग का ठीक है देन इट इज हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग चाइना तो इसका हेडक्वार्टर कहा है बीजिंग चाइना में तो इसी से आपको जॉब समझ में आ ही गया होगा देन ए आई आई बी has now 102 accepted members worldwide so this is the number of worldwide members so option number c is the correct answer now let's have question number 8 recently najib razak been sentenced to 12 years in prison he was the former prime minister of which country malaysia pakistan bahrain and sweden so yereha unka इमेज आप अगर पहचान सके तो ठीक नहीं तो आप पहचान लीजिए आज के बाद से नाजिब रजाक को ठीक है एंड ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर दैट इज कहाँ से मलेशिया मलेशिया के वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ठीक है नाउ लेट्स हैव द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रिसेंटली अ मलेशियन कोर्ट सेंटेंस्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नाजिब रजाक टू ट्वेल्व ईयर इन प्रिजन शन वॉस गिली ऑफ क्राइम्स रिलेटेड टू द रॉबरी ऑफ मल्टी बिलियन डॉलर स्टेट इन्वेस्टमेंट फंड चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि किस चीज के लिए इनको सजा दी गई है, है ना तो मल्टी बिलियन डॉलर स्टेट इन्वेस्टमेंट फंड में रॉबरी को लेकर के फॉर दिस रीजन हिस्स गवर्नमेंट ऑल्सो फेल टू ईयर्स अगो तो दो साल पहले उनकी सरकार पहले भी गिर चुकी है नजीब रजाक इज द फर्स्ट मलेशियन लीडर टू बी सेंटेंस्ड मलेशिया के नाम आया तो मलेशिया के बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं तो मलेशिया इट इज द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कैपिटल क्या है क्वाला लमपुर देन करेंसी क्या है मलेशियन रिंग इट देन प्राइम मिनिस्टर कौन है महीदीन यासीन ठीक है तो इतनी जानकारी होनी चाहिए आप सभी को एंड इसलिए आपका आंसर क्या था ऑप्शन नंबर ए ना लेट्स है वॉट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर फेरी इलेक्ट्रिक बोट ऑप्शन मोक्षा आदित्य संगम और विभावरी मैं उसको सीधे आपको इमेज ही दिखा देता हूं आप सीधे इमेज से पहचान सकते हैं देख सकते हैं यहां और ऊपर आपका नाम भी दिख रहा है आदित्य तो ऑप्शन भी आपको समझ में आ ही गया करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी ठीक है आदित्य इज द करेक्ट आंसर आइए जानते इसके बारे में रिसेंटली इंडिया फर्स्ट सोलर फेरी इलेक्ट्रिक बोर्ड आदित्य द गुस्ताव ट्रो अवार्ड आदित्य इज कैपेबल ऑफ सीटिंग सेवेंटी फाइव पीपल ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी ये उसको अवार्ड मिला है रिसेंटली और साथ साथ इसमें सेवेंटी फाइव पीपल वन जर्नी में बैठ सकते हैं ठीक है इट वॉज बिल्ट इन टू थाउजेंड सेवेंटीन बाय न वर्ल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट बेस्ड इन कोची फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट इन केरला द मेन अट्रैक्शन ऑफ आदित्य इज इट्स लो ऑपरेटिंग कॉस्ट सो दिस इज द मेन फोकस पॉइंट जहाँ जिसकी वजह से चर्चा में है ठीक है ना ऑपरेटिंग कॉस्ट इट इज अ फुल्ली सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक बोर्ड और जिसका रीजन है ऑपरेटिंग रीजन ये है ठीक है जो करेक्ट आंसर है उसका आप लोगों को सामने देख पा रहे हैं ठीक है उसमें पढ़ सकते हैं आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ठीक है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये हो गया उसका फुल फॉर्म और ये रहा उसका शॉर्ट फॉर्म तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया ए ठीक है न आइए जानते हैं इसका डिटेल द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च द इनोवेशन कॉम्पिटिशन डेयर टू ड्रीम 2.0. तो कौन सा कंपटीशन की बात चल रही है यहां पर डेयर टू ड्रीम 2.0. द डी आर डी ओ अनाउंसड द स्कीम ऑन द फिफ्थ डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर ए पीजे अब्दुल कलाम रिनोम्ड साइंटिस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन नहीं जानता ए पीजे अब्दुल कलाम को बोलने की जरूरत ही नहीं पर इनोवेशन कॉम्पिटिशन वॉज लॉन्च टू प्रमोट इंडिविजुअल एज वेल एज स्टार्टअप टू यूज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर इनोवेशन एंड इन द एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर इन द कंट्री ये उसका मेन पर्पज था सो फाइनलींबर ए इज द करेक्ट आंसर सो दिस इज़ हाउ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है और आज भी हमने फिर एक बार दस काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया विथ कंप्लीट डिटेल एंड होप सो रोज की तरह आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा हो और आप सभी से मेरी शिकायत है कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक नहीं करते तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टेक केयर बाय बाय